नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अन अकेडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अन अकेडमी के यूपी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं दोस्तों। आप फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, और शाम को 4 बज चुका है और कल की परीक्षा के लिए ये आखिरी अस्त्र मैं देने आया हूँ, आपको प्रदान करने आया हूँ। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स को आप लोग इन्वाइट कर दीजिए, सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट कर दीजिए, आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और कल सुबह का जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी और करंट अफेयर्स ये आखिरी अस्त्र है आपके लिए, जिसका आप प्रयोग कल के एग्ज़ाम में करेंगे। और कल के एग्ज़ाम में जब प्रयोग करेंगे तो ईश्वर से यही प्रार्थना की जाए कि यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और जब तक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तब तक मैं अपने बारे में बताया दोस्तों। मेरा नाम अनुप उपाध्याय, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स का मेंटर, 10,000 प्लस स्टूडेंट, सिलेक्शन 280 प्लस। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया दोस्तों तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा। अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर से। और अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेट पीएससी पे आएंगे आप अपने कोर्स और गोल पर। स्टेट पीएससी पे आने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, स्टेट पीएससी पे आने के बाद आपको करना क्या है, यूपी पीएससी सर्च करना है दोस्तों। यूपी पीएससी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो यूपी पीएससी इसलिए कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कारण से, हो सकता है कहीं फाइनेंशियल इशू हो, कोई भी कारण हो जिसके चलते आप चाहते तो हैं कि आईएएस बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं धन आपके लिए बाधा उत्पन्न कर देती है। तो यूपी पीएससी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस दोस्तों कॉमन है, कॉमन सिलेबस है। तो यूपी पीएससी के थ्रू हम यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी और दूसरे स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि यूपीएससी को ही सारा स्टेट फॉलो करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूपी पीएससी के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो और भी स्टेट हैं, चाहे वो यूपी के अलावा आपका बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, या आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, या आपका कश्मीर का स्टेट हो, कोई भी हो, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ भी आप इस कोर्स के हेल्प से क्या करते हैं, वहाँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी जो स्टेट स्पेशल होगा उसके लिए आपको पर्सनल अलग से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यूपी पीएससी पे आइए, यूपी पीएससी के बाद गेट सब्सक्रिप्शन प्लस, पे प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आपके सामने फी स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, एक महीने से लेकर 24 महीने का, जिसमें 24 महीने का फी जो है वो 8400 है और 12 मंथ्स का जो फी है वो 7000 है। आपको जैसे आप कोड यूज करोगे अनुप10, आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आपका जो फी है, आपका 24 महीने का जो फी है वो आपका 8400 से माइनस होकर 7560 हो जाएगा, और आपका 1 ईयर का जो फी 7000 है वो माइनस होकर 6300 हो जाएगा। बाकी आप कॉइन्स को और भी रिडीम करोगे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कोड क्या यूज करना है आपकी स्क्रीन पर है, अनुप10, और बाई यूजिंग दिस कोड यू गेट 10% ऑफ ऑन योर फी। तो यूज दिस रेफरल कोड फॉर गेटिंग डिस्काउंट बाई अन अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्लस के सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं। तो सभी एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, एजुकेटर पूरी परीक्षा की तैयारी कराएंगे। अब सिंपल सी बात है, मेरे प्लस कोर्स के फायदे क्या हैं कि आपको मेरे प्लस कोर्स से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी प्रूफ तो आप लोग को मिल ही रहा है ना। चलिए जुड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम को जाया ना करते हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स का सेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कल के एग्जाम में आए, उसके लिए पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020 रिपोर्ट, भारत के पक्षियों की स्थिति 2020 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द रेंज एबंडेंस एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बर्ड्स इन इंडिया, या भारत में पक्षियों की श्रेणी, उनकी बाहुविकता और संरक्षण की स्थिति का पहला व्यापक मूल्यांकन। दूसरा, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इस रिपोर्ट को या रिपोर्ट जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा तैयार की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मच ऑफ द डाटा इज बेस्ड ऑन सिटीजन साइंस विच इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाई बर्ड्स वॉचर्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसका अधिकांश डेटा नागरिक विज्ञान पर आधारित है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बर्ड वॉचर्स द्वारा प्रदान की गई जानकारी है। आप इसको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। समय शुरू हो चुका है, रोबी रानी, प्रीति तिवारी, सुमन पाल, राजा पाठक, सुषमा सिंह, मनीष चौरसिया, अनुज फातिमा, मोहित मिश्रा, रुख, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। फटाफट आप लोग आ जाइए, टाइम नहीं है क्योंकि मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा फास्ट फास्ट में रिवीजन कराऊंगा कि आप लोग के पास समय मिल जाए कल के लिए, और सारा आप लोगों ने
एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, है ना। एक आध जीरोक्स भी एडमिट कार्ड का रख लीजिए, गलती से कहीं इधर उधर कुछ हो तो आपके पास एडमिट कार्ड रहे, पहला चीज़। दूसरा, आई कार्ड जो आपका वोटर आईडी या आधार कार्ड होगा उसका एक जीरोक्स रख लिया होगा। तीसरा, आपके पास अपना एक एक दो फोटो भी रखे रहिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि एग्जामिनेशन सेंटर में कहा जाता है कि आप फोटो चिपकाइए, ठीक है। चौथा, पानी का बॉटल, खाने का सारा सामान, सैनिटाइजर, मास्क फास्क जो भी सारी चीज़ें हैं सबकी व्यवस्था। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन 2 से 3 रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वो जो चौड़ा वाला होता है वो मार्क शीट भरने के लिए वो रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। वन का जिन्होंने बी कहा वो सभी के उत्तर सही है, वन का बी जो है वो राइट आंसर है दोस्तों, और वन का बी जो है वो राइट आंसर है, और वन का बी यानी कि 1 और 3 जो है यह भारत में पक्षियों की श्रेणी उनकी बहुतता संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, और का पहला व्यापक मूल्यांकन और ये पक्षी प्रजातियों के बारे में कुछ चिंताजनक बिंदु और कुछ तथ्यों के बारे में सकारात्मक पक्षों के रेखांकित करता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी वन का बी कहा वो सभी के उत्तर सही हैं, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडिशनल टायर वन बॉन्ड, अतिरिक्त टायर बॉन्ड वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, यह बेसल 3 मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा जारी किए गए एक सुरक्षित बॉन्ड है। इन बॉन्ड का कोई परिपक्वता तिथि नहीं है, ठीक है। आरबीआई बैंकों के निवेशकों से सलाह लिए बिना उनसे बकाया AT1 बॉन्ड रद्द करने के लिए कह सकता है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3, 1-2-3, और आपका समय शुरू होता है अब, बताइए राइट आंसर क्या है। और इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर सुमन राजा पाठक, प्रीति तिवारी, रूबी रानी ने दिया था और सुषमा सिंह ने दिया था दोस्तों, तो जिनके बी थे इसके पहले वाले में सबके उत्तर सही हैं, ठीक है। तो सारी तैयारी करके रखिएगा और थोड़ा फास्ट फास्ट में आपके साथ क्वेश्चन कर दिया जाए कि आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल जाए रेस्ट करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन्होंने अनअकैडमी का अभी तक कोड यूज करके प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, तो ये कोड यूज कीजिए, रेफरल कोड, मेरे साथ जुड़िए इस कोड के माध्यम से और गदर मचाते हैं, तहलका मचाते हैं दोस्तों। आयोग के माथे पर विजय का पताका तो लहराना है, सभी को करके दिखाना है कि क्या है हमारी काबिलियत, कितनी है हमारी औकात, ठीक है। चलिए फटाफट, दूसरा का जिन्होंने बी कहा दोस्तों वो सभी के उत्तर सही हैं, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट जो है, इन बॉन्ड का कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती और आरबीआई की बैंकों के निवेशकों से सलाह लिए बिना उनसे बकाया AT1 बॉन्ड रद्द करने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी कहा ये दोनों बी आंसर जिन्होंने भी कहा वो सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लब्स बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्लब टू क्वालिफाई फॉर द ग्रुप स्टेज ऑफ 2021 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियंस लीग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फुटबॉल क्लब 2021 एशियाई फुटबॉल परिसंघ चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। मोहन बगान एसी बेंगलुरु, एफसी गोवा, एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब, ठीक है, और एफसी पुणे सिटी, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट दोस्तों शेयर भी करते रहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है कि बीजी हैं एग्ज़ाम के लिए, एक डर है आप लोग के अंदर, तो डरना नहीं है दोस्तों, बेहतर करना है, बेहतर आप लोग कीजिए, बेहतर आप लोग कर सकते हैं, खुद के ऊपर विश्वास रखिए दोस्तों, और आज भरपूर नींद लीजिएगा, ठीक है। कोई पढ़ने के चक्कर में अब मत पढ़िए ज़्यादा, फटाफट कुछ क्वेश्चन हैं इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, भरपूर नींद लीजिएगा दोस्तों। कल 12 बजे हम लोग मिलेंगे, आप लोग जहाँ भी सेंटर पे होंगे मोबाइल को रिचार्ज करके रखिएगा, मोबाइल मतलब चार्ज करके रखिएगा, 12 बजे आपसे मुलाकात होगी, करेंगे हम प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा कल 12 बजे, और फिर उसके बाद शाम को 5 बजे मैं आपके साथ करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी के प्रश्नों का विथ एक्सप्लेनेशन आपके साथ बात करूंगा, देखूंगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे, कितने क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। और कल हमारे 2 एजुकेटर्स आपके साथ सेंटर्स पे भी मिलेंगे, मुझे नहीं पता किस सेंटर पे, अगर हो सकता है गाजियाबाद, मेरठ, आगरा के जो सेंटर्स हैं, हो सकता है वहाँ हमारे एजुकेटर्स भी आपसे मिलें, वो भी लाइव जो होगा सब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा का जिन्होंने सी कहा दोस्तों यानी कि एफ सी गोवा, वो सभी के उत्तर सही हो, यहाँ नूज फातुमा के उत्तर नजर आ रहे हैं सही, उसके अलावा किसी का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, फौरे गनसिंगबे को चौथी बार निम्न अफ्रीका देश के राष्ट्रपति के, मतलब किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। घाना, टोगो, चाड, सूडान, और आपका समय शुरू होता है अब। घाना, टोगो, चाड, सूडान, और आपका समय शुरू होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी नहीं आए हैं, उनको आप लोग मैसेज करके कहिए कि क्लास देख लें, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन,
इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी के क्वेश्चंस हो सकता है कि कहीं ना कहीं से फंस जाए। ठीक है, तो कल हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, और बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, तनाव मत लीजिएगा, डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है ना, और जीत के आना है। आप कर सकते हो, कोशिश कीजिएगा कि 110 के आसपास क्वेश्चन को सही करके आइएगा। ठीक है, बाकी हो ही है वो जो राम रचि राखा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। फोर्थ का जिन्होंने बी कहा दोस्तों, वो सभी के उत्तर सही हैं। फोर्थ का बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, और फोर्थ का बी यानी कि जिन्होंने कहा टोगो, तो नेशनल इलेक्ट्रॉल कमीशन ने फॉर ए गनसिंगवे रिपब्लिक पार्टी के लिए संघ को टोगो का नया राष्ट्रपति का घोषित किया गया है। जिन्होंने भी बी कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। सुषमा सिंह, नूज फातिमा, प्रीति तिवारी के उत्तर सही दिख रहे हैं, सुमन पाल। चलिए अगला प्रश्न, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ऑफ इंडियन रेलवे वॉज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे द्वारा देश में अपनी तरह का पहला रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन पर किया गया। आसनसोल, पश्चिम बंगाल, हरिद्वार, उत्तराखंड, अजमेर, राजस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। समय शुरू हो चुका है, अब राइट आंसर बताइए फटाफट करते हैं। ये आखिरी अस्त्र, ये आखिरी आप लोगों के लिए मेरे तरफ से एक क्वेश्चन सीरीज। कोशिश यही है कि आपके साथ 4 महीने की यात्रा में जितनी भी पढ़ाई हमने की है, जितना आपको पढ़ाया है, कोशिश यही रहेगी कि वहाँ से आपको 60 से 70 क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में, मतलब मोर देन 50% कल के एग्ज़ाम में आपको मिल जाए, मोर देन 50% आपके एग्ज़ाम में मिल जाए दोस्तों। ये मेरी पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है। बाकी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र ही बताएंगे कि मैं कितने सही दिशा में, मेंस को तो लेके चला ही, यूपीएससी के भी एग्जाम को लेके चला, लेकिन यूपीपीएससी के 2020 कल पता चलेगा जब आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर रहेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं पांचवा, जिन्होंने कहा फिफ्थ का ए दोस्तों यानी कि आसनसोल वेस्ट बंगाल, वो सभी के उत्तर सही ऋतु विश्वकर्मा, और किसी का सही नहीं, केवल ऋतु विश्वकर्मा का उसका उत्तर अभी तक सही नजर आ रहा है मुझे, बाकी धीरे धीरे जब स्टेटमेंट आंसर आए तो समझ में आएगा। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे यात्रियों शहर के नागरिकों के लिए पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनाइटेड नेशनल हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। सीड पुरस्कार, सस्कावा पुरस्कार, फिफ्थ फॉर अर्थ पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है फटाफट बताइए। लाइक शेयर करते रहे दोस्तों, लाइक शेयर करते रहे, किसी भी प्रकार से लाइक शेयर में कोई कमी नहीं। क्या भरोसा कि आखिरी वक्त का, कभी कभी कहा जाता है कि ऑन द लास्ट आवर, ठीक है, कहते हैं 99 घंटे, 99th आवर्स पर कभी कभी आप लोगों ने जो तैयारी की वो चीज़ आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं। और मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम में मैंने जो देखा वैसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा हो, प्रयास तो यही है, इसलिए मैंने आज की क्लास रखी थी सुबह और शाम वाली, नहीं तो मैं आज की क्लास कैंसिल करके आप लोगों को कहता रेस्ट कीजिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आखिरी पल तक आपके साथ रहना है तो आखिरी पल तक मैं आपके साथ हूँ, बस अपना बेस्ट देखे। इस समय समय आप देखते हैं राइट आंसर क्या है। सिक्स का जिन्होंने डी कहा यानी कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, वो सभी के उत्तर सही हैं, और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है जो उसको याद रखिएगा, इसका नाम चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, फाइटोप्लांकटन, कंपोर्ट, ब्लू हेड रैस, स्ट्रिपोर, सी कुकुम्बर। समय शुरू होता है, अब इसमें से आपको बताना है कि सही क्रम क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, फाइटोप्लांकटन, कॉप, ब्लू हेड रैश, स्ट्रिपोर, सी कुकुम्बर। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और प्रश्नों के आंसर पे बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। हाँ, अपना जो रिकॉर्डर आप लोग ऑन करके जो रिकॉर्ड करके उसको शेयर करते हैं क्वेश्चंस को, वो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग फटाफट रिवाइज कर दीजिए, और इसके पहले वाली जो सुबह की ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी होगी तो उसको भी देख के लाइक मार दीजिएगा एक। बाकी हर हर महादेव, अच्छा करके आएंगे आप लोग। सातवां प्रश्न, सातवां का ए जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। ठीक है, सातवां का ए जिन्होंने कहा यानी कि सबसे पहले फाइटोप्लांकटन, उसके बाद कपोर्ट, कपोर्ट के ऊपर ब्लू हेड रैस, उसके बाद स्ट्रिपर, उसके बाद लास्ट में सी कुकुम्बर। चलिए अगला प्रश्न, जिन्होंने भी सातवां का ए कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। अगला, द कॉम्पिटिशन बिटवीन द कॉम्पिटिशन बिटवीन स्पीसीज सीकिंग द सेम इकोलॉजिकल एंड नीस रिजल्टिंग इन सर्वाइवल ऑफ वन ऑफ द स्पीसीज ओवर अनदर डिफाइंस, एक ही पारिस्थितिक की तलाश में प्रजातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप एक प्रजाति को दूसरे पर जीवित रखने को परिभाषित किस रूप में कहा जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है। रिसोर्स पैट्रोनिंग, संसाधन विभाजन,
करेक्टर डिप्लेसमेंट, चरित्र प्रतिस्थापन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, प्रतिस्पर्धी अपवर्जन का सिद्धांत, या इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, अंतर जातीय प्रतियोगिता। चलिए समय स्टार्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। एक ही पास्ते की इतनी कीत की तलाश में प्रजातियों के बीच की प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप एक प्रजाति को दूसरे पर जीवित रखने का परिभाषित करता है। सुषमा सिंह, आसामन हास, रूबी रानी, प्रीति तिवारी, सृष्टि द्विवेदी, अनुज फातिमा, रिंटू पांडे, ऋतु विश्वकर्मा, सुषमा सिंह, सुमन पाल, सृष्टि द्विवेदी। फटाफट सब लोग उत्तर देते रहिए, समय कम है क्योंकि आप लोग को आज आराम भी करना है। भरपूर 8 से 9 घंटा नींद लीजिए और बेहतर करके आइए, खाना हल्का खाइएगा रात में, ठीक है। चलिए आठवां का जिन्होंने सी कहा दोस्तों, सभी का उत्तर सही है। एट का सी जिन्होंने भी कहा, यानी कि प्रतिस्पर्धी अपवर्जन का सिद्धांत, वो सभी का सही। और यहाँ सृष्टि द्विवेदी, ऋतु विश्वकर्मा, प्रीति तिवारी के उत्तर सही नजर आ रहे हैं, आसाम मनहास के उत्तर सही। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट एक्शन, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आपका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, क्लाइमेट एक्शन, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। 9 का जिन्होंने डी कहा, यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, वो सभी के उत्तर सही है। 9 का डी जिन्होंने कहा, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वो सभी के उत्तर सही है। इस बार का थीम था 5 जून का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पृथ्वी पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? सूक्ष्म जीव जैसे नील हरित शैवाल, औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग करने वाला व्यक्ति, या वायुमंडलीय परिघटना। आपको बताना कि सही उत्तर क्या है, ए बी सी डी में से राइट आंसर चूज कीजिए। समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आपको राइट आंसर चूज करना, विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के हिसाब से सही विकल्प क्या है? चलिए दसवां का देखते हैं राइट आंसर क्या है। दसवां का जिन्होंने डी कहा दोस्तों, वो सभी के उत्तर सही होंगे। 1, 2, 3 जो हैं वो आपके सही हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो आपके पृथ्वी पर नाइट्रोजन को स्थिर करने में उपयोगी हैं। चलिए अगला, द एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण EPCA की स्थापना किस प्रावधान के तहत की गई है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्रिएटेड बाय द ऑर्डिनेंस एंड नन ऑफ द अबव। समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट प्रियंका राघव, गुड इवनिंग, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना किस प्रावधान के तहत की गई है? लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग मैंने आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ 8-9 दिन के अंदर किए हैं। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने कहा है 11 का बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना, सभी के उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अटैचमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, निम्नलिखित अधिनियमों के उनके अधिनियमित कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, आपको बताना है, इसको अरेंज करना है, आपको राइट आंसर बताना है अरेंज करके, फटाफट बताइए, अरेंज करके राइट आंसर बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या हो। लाइक शेयर करते रहे दोस्तों,
बारहवा प्रश्न, जिन्होंने भी बारहवा का ए कहा, यानी कि 3412, यानी कि सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर उसके बाद जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, फिर उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, और उसके बाद लास्ट में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये जो है इसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपका, ठीक है, कालानुक्रम है जिस हिसाब से व्यवस्थित हुआ है। तो जिन्होंने भी बारहवा का ये कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, द अर्थ समिट 1992 रिजल्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में से किन दस्तावेज के परिणाम स्वरूप पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आयोजित हुआ, पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा, एजेंडा 21, वन सिद्धांत, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा एजेंडा 21 और तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना, वन एंड टू, टू एंड थ्री, ओनली वन, वन टू थ्री, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आयोजित हुआ, पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा, एजेंडा 21, वन सिद्धांत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, वन एंड टू, टू एंड थ्री, ओनली वन और वन टू थ्री, विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और क्विक क्विक रिस्पॉन्स कीजिए, आंसर फास्ट कीजिए दोस्तों। और 13वें प्रश्न पे हम लोग हैं, चलिए 13वां, जिन्होंने भी 13वां का डी कहा, यानी कि वन टू थ्री, तीनों के तीनों वो सही उत्तर हैं दोस्तों। और जून 1992 में रियो में आयोजित पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED को रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन और रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और ये 1992 में हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, कहाँ है रियो डी जेनेरियो, रिप्लाई कीजिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन द्वारा संबंधित प्रमुख मुद्दों में रेडियोधर्मी रसायनों सहित रेडियोधर्मी रसायन, ठीक है, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव आपके केमिकल्स होते हैं, विषाक्त घटकों के उत्पादन के पैटर्न की व्यवस्थित जांच शामिल थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक आपका कथन है, दूसरा उसका कारण है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कारण सही है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं कि नहीं। जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC अपना स्वयं का शोध आयोजित करती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च फॉर असेसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कारण, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एक संयुक्त पहल, इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। समय आपका शुरू हो चुका है दोस्तों, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल, चलिए समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है। 14 का जिन्होंने डी कहा कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो वर्ष 1980 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, ठीक है, यानी कि कौन, WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित IPCC का उद्देश्य सरकारों को प्रत्येक स्तर पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है जिसका उपयोग वो जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। IPCC रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में से एक महत्वपूर्ण इनपुट है, ठीक है, और IPCC सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र का WMO का सदस्य, वर्तमान में IPCC में 195 सदस्य हैं और विश्व भर के हजारों लोग IPCC काम में योगदान देते हैं। IPCC अपना स्वयं का शोध आयोजित नहीं करता है, तो ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए, द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज अ फ्रेमवर्क फॉर सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग एंड यूज ऑफ व्हाट, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षित स्थानांतरण हैंडलिंग और उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार करता है किसके, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO, मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पादप, डेड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मृत संशोधित जीव या विनोमस स्नेक्स विषैले सांप, और आपका समय शुरू होता है अब। एग्जाम्पल आराम से दीजिए, ठीक है, क्योंकि
आप लोगों की जो तैयारी हुई है वो लगभग 3 से 4 महीने की तैयारी, और 3 से 4 महीने यूपीएस इसके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत कम समय होता है। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, एक अनुभव के लिए एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ तो आप लोग लगभग 4 महीने से हैं, कुछ लोग 2 महीने से हैं, कुछ लोग 1.5 महीने से हैं। तो तनाव नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि इसकी तैयारी के लिए लगभग 1.5 साल का आपको समय चाहिए, 12 से 18 महीने का समय चाहिए दोस्तों। और आपके कॉम्पिटिटर ऐसे ऐसे होंगे जो पहले से सेलेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, जाइए, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको एग्ज़ाम का, कुछ जानकारी मिलेगी आपको एग्ज़ाम से, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या। 15 का जिन्होंने ए कहा यानी कि संशोधित जीवित जीव एलमो, वो सभी का उत्तर सही। और जय सुरक्षा पर कार्टोजोना प्रोटोकॉल जो था वो एलमो के सुरक्षित स्थानांतरण हैंडलिंग और उपयोग के लिए स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा था, जिसकी स्थापना सीबीडी यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन के तत्वाधान में की गई, ठीक है। इस प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया, जबकि ये लागू जो हुआ था 1 सितंबर 2003 में हुआ था, ठीक है। प्रोटोकॉल का उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न एलोमो के सुरक्षित हस्तांतरण हैंडलिंग और उपयोग क्षेत्र में पर्याप्त स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान प्रदान करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा। अमॉन्ग द फॉलोइंग ईच टाइप ऑफ बैंक वॉज डिसाइडेड टू बी ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक ढांचे के अधीन लाने का निर्णय लिया गया। आवासीय बैंक, बहुराज्य सरकार सहकारी बैंक, निवेश बैंक या भूमि विकास बैंक, हाउसिंग बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक। सेंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपको बताना राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। Among the following, which type of bank was decided to be brought under the regulatory framework of Reserve Bank of India? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक ढांचे के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है। हाउसिंग बैंक, आवासीय बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बहुराज्य सहकारी बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, निवेश बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। देखते राइट आंसर क्या है दोस्तों, और समय धीरे धीरे आगे कर बढ़ा, लाइक शेयर करते रहे, जो भी लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया शेयर करते रहे, सभी लोग अपने व्हाट्सअप का स्टेटस बना दीजिए, फेसबुक का स्टेटस बना लीजिए, पोस्ट कर दीजिए। 16 का बी जिन्होंने कहा दोस्तों यानी कि बहुराज सहकारी बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूत्रा पिक, सूत्र पिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी गायों का एक शोध कार्यक्रम, इट इज अ रिसर्च प्रोग्राम ऑन इंडिजिनियस काउस, दिस इनिशिएटिव इज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित एक पहल। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, आपको बताना है विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर का आपको चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। सूत्र पिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी गायों का एक शोध कार्यक्रम, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित एक पहल। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, एंड, ठीक है। चलिए समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने 17 का सी यानी कि कहा कि दोनों के दोनों कथन सही, वो सभी के उत्तर सही हैं। और यहाँ सुमन पाल, ऋतु विश्वकर्मा, सुषमा सिंह, सृष्टि द्विवेदी के उत्तर सही हैं। तो सरकार ने स्वदेशी गाय जिन्हें सूत्रपिक के रूप में जाना जाता है, स्वदेशी गाय के प्रमुख उत्पादों का अनुसंधान संवर्धन वैज्ञानिक उपयोग पर शोध करने के लिए कार्यक्रम का अनावरण किया। यह वैज्ञानिक मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित पहल का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह, एक तरफ दोस्तों एक्सरसाइज है और दूसरी तरफ पार्टनर कंट्री है। सबसे पहले अजय वारियर, फिर है सहयोग काजीन, तीसरी है संप्रति, चौथा है मिलन। आपको बताना है कौन कौन से भागीदार देश हैं, किस अभ्यास में थे। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, सुमेलित नहीं, आपको बताना है। समय शुरू हो चुका है अब। अजय वारियर क्या यूनाइटेड किंगडम और भारत का था, बताइए आप। सहयोग काजिन क्या यूनाइटेड और जापान का था। संप्रति क्या भारत और बांग्लादेश का था। मिलन क्या भारत और रूस का था। कौन सा इसमें से गलत है, आपको बताना है। और आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। 18 का जिन्होंने डी कहा यानी कि मिलन, तो वो सही उत्तर है दोस्तों। और मिलन जो है दोस्तों, अगर हम देखें तो अजय जो है वो भारत यूनाइटेड किंगडम का अभ्यास था, ठीक है। और सहयोग काजिन जो है वो भारत और जापान के मध्य आयोजित होने संयुक्त अभ्यास था। यह अभ्यास जिस टट्टीगार्डो के बीच आयोजित हिंद महासागर डकैतों निपटने के लिए अभ्यास महत्वपूर्ण था, ठीक है।
जिन्होंने 18 का डी कहा वो सभी के उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है। पीला रतुआ रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट येलो रस्ट डिजीज। यह एक जीवाणु रोग है, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। यह रोग पौधों से कार्बोहाइड्रेट को सोख लेता और नष्ट कर देता है। दिस डिजीज ड्रेन्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है। रेन एंड फॉग फेवर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। वर्षा और कोहरा इस रोग के पनपने में वृद्धि करता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पीला रतुआ रोग, येलो रश डिजीज। समय शुरू हो चुका है दोस्तों, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। सृष्टि प्रीति तिवारी, मोहम्मद आरिफ, रूबी रानी, सुमन पाल, सुषमा सिंह, ऋतु विश्वकर्मा, मोहित मिश्रा। राइट आंसर बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए दोस्तों, जिन्होंने 19 का बी कहा यानी कि केवल दूसरा और तीसरा, वो सभी के उत्तर सही है। और गेहूं के फसल में लगा हुआ पीला रतुआ रोग पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और दोस्तों ये फंगस के चलते होता है, ये आपका बैक्टीरिया के चलते नहीं है, फंगल रोग। ठीक है, ये फंगस के चलते होता है। ठीक है, बाकी ये फंगल डिजीज है। बाकी जो स्टेटमेंट आपका था दूसरा और तीसरा वो सही था। चलिए अगला। चाय इज अ फेमस आर्टवर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चाय निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध कलाकृति है। चाय निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध कलाकृति है। इंडिया, पुर्तगाल, जर्मनी, चाइना। समय शुरू हो चुका है दोस्तों, आपको बताना राइट आंसर क्या है। चाय इज अ फेमस आर्टवर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। समय समाप्त दोस्तों, जिन्होंने 20 का बी कहा होगा ठीक है तो उत्तर सही होगा। और ये पुर्तगाल का है आपका। चाचा मूर्तिकला है ये। ठीक है, और इसमें आपको ये जो आपका नई दिल्ली में अवस्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय श्री प्रहलाद सिंह पटेल और पुर्तगाली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मार्सुले रेबेलो डी सूसा ने संयुक्त रूप से चाय नामक प्रसिद्ध कलाकृति का उद्घाटन किया। और ये प्रदर्शनी प्रसिद्ध पुर्तगाल कलाकार जोना वास्कोनसेलोस द्वारा चायदानी के रूप में गढ़ी हुई लोहे की मूर्तिकला चाय को प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए तो जिन्होंने पुर्तगाल कहा वो सभी के उत्तर सही है। ठीक है, नाम से चाइना लग रहा है। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेटिंग टूल दैट हेल्प पीपल असेस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिल्डिंग अगेंस्ट सर्टेन नेशनली एक्सेप्टेबल बेंचमार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेटिंग उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्वीकृत शर्तों या मापदंडों के आधार पर इमारतों के प्रदर्शन के आकलन की सुविधा प्रदान करता है। गृहस्थ, गृह, घरौंदा, घर बार। समय शुरू हो चुका है, अब आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेटिंग उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्वीकृत शर्तों या मापदंडों के आधार पर इमारतों के प्रदर्शन के आकलन की सुविधा प्रदान करता है। गृहस्थ, गृह, घरौंदा, घर बार। समय समाप्त हो गया, देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिन्होंने भी 21 का बी कहा यानी कि गृह, हो सभी को उत्तर सही। गृह का फुल फॉर्म जो है वो है आपका ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, तो ये एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग एक रेटिंग उपकरण जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कुछ शर्तों या मापदंडों के आधार पर इमारतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा बी गृह, वो सभी के उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। मैंगो फॉर द फ्यूचर्स इनिशिएटिव इज को चेयर्ड बाय होम। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर पहल की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। IUCN, UNDP, IUCN, UNEP, UNEP, WWF, UNDP, WWF। और आपका समय शुरू होता है, अब आपको बताना है 22वां प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बताना है राइट आंसर क्या है इस 22वां प्रश्न का। इस 22वां प्रश्न का राइट आंसर बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या। 22वां का जिन्होंने ए कहा यानी कि IUCN और UNDP, वो सभी के उत्तर सही। और मैंग्रोव ऑफ द फॉर द फ्यूचर सतत विकास जो परियोजना है तटीय पारिस्थितिक संरक्षण निवेश को प्रोत्साहन प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण।
संघ व संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की साझी पहल है, जिन्होंने भी कहा 22वां का ए, वो सभी के उत्तर सही हैं। चलिए अगला। एज पर द प्रोविजन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, विच अथॉरिटी कैन नोटिफाई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एरियाज इको सेंसिटिव जोन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, पंचायत? समय शुरू हो चुका है, अब बताना राइट आंसर क्या है। 23वां दोस्तों, 23वां का आपको राइट आंसर बताना। विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? प्रश्न के हिसाब से सही विकल्प क्या है आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न के हिसाब से सही विकल्प बताना है, फटाफट बताएं। समय समाप्त हो गया, देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। 23 का जिन्होंने बी कहा, यानी कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर सकती है, ठीक है। और ये भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य के आसपास अधिसूचित क्षेत्र है। तो जिन्होंने भी कहा बी, यानी कि केंद्र सरकार, वो सभी के उत्तर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपलब्ध है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द राइट्स अवेलेबल अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006? सामुदायिक अधिकार या समुदायों के सामान्य संपत्ति संसाधनों पर अधिकार, उनके व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा अधिकार, ठीक है, पहला। दूसरा, आदिवासियों की जैव विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार, दूसरा। तीसरा, आवास के लिए या स्वयं या आजीविका के लिए, खेती के लिए, व्यक्तिगत या समान व्यवसाय के तहत वन भूमि में रहने का अधिकार, ठीक। आपको बताना है कि कौन सा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपलब्ध है। समय शुरू हो चुका है, आप लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों, ये भी बताइएगा। और ये प्रश्न कल के आयोग में ये जो पूछे हुए UPPCS के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें आएंगे कि नहीं, ये तो कल 9:30 से 10 के बीच में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, जब आप लोगों ने आधे घंटे में पूरे 150 प्रश्नों को एक बार देख लेंगे। और जो मैंने आपको समझाया था, याद है ना आप लोग क्या करना है, ठीक है, सारा चीज़ जो बेसिक है वो सब लोग आप लोगों ने तैयार कर दिया होगा। क्वेश्चन पेपर एक बार क्या कीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो 100 से लेकर 150 क्वेश्चन जो होंगे उसको फटाफट सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कहेगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उस पर तुरंत टिक करते चलिएगा, ठीक है, जिस पर डाउट हो उसको गोला या कुछ दे दीजिएगा, और जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो आ रहे हैं एकदम उस पर राइट करते चलिएगा, किस आंसर को आपने राइट किया उस आंसर पर राइट कर दीजिएगा, जहाँ डाउट है उस क्वेश्चन पे आप क्या कर दीजिएगा, एक सर्कल, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, तो हम बी पे टिक करें, आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन, इसका लग रहा है सी होगा, तो सी पे टिक करें, आगे बढ़ें। उसका लग रहा है डी होगा, डी पे टिक करें, आगे बढ़ें। ए पे टिक करें, आगे बढ़ें। जो भी आंसर होगा टिक करते हुए आगे बढ़ते चलिएगा। एक बार 150 प्रश्नों में से देख लीजिएगा कि 150 प्रश्नों में से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसको आप विथ कॉन्फिडेंस जो है आप मैक्सिमम सही कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ डाउट होगा, अब लगे कि उसी में से आपको करते करते 150 में से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ डाउट होगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, ऐसे सर्कल लगाते चलिए। मान लीजिए 24वां प्रश्न उस पर डाउट है, सर्कल लगा लीजिए। 25वां डाउट है, सर्कल लगा लीजिए। 26वां डाउट है, सर्कल लगा लीजिए। 27वां आ रहा है, टिक मारते चलिए, ठीक है। और जब आप लोगों ने 150 क्वेश्चन में से मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर लियोगे, तो तुरंत अपना ओमआर सीट जो है वो भर लीजिए उस, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ओमार सीट पे, हमेशा ध्यान आप लोग ये रखिएगा कि गलत नंबर के साथ ABCD सही भरिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 24वां क्वेश्चन और पता चलता है आपका या तो 23वां पे या 25वां का सर्कल भर दिया जाता है गलती से, तो ये गलतियाँ प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 24 का जिन्होंने डी कहा दोस्तों, वो सभी के उत्तर सही हैं, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो थे वो क्या थे आपके, सही थे। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कोस्टल एक्वाटिक एंड मैराइन कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन, मैराइनिक ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति, समुद्री जीव और तलछट द्वारा तटीय जलीय और समुद्री कार्बन सिंक को संदर्भित करता है? ग्रीन कार्बन, ग्रे कार्बन, मरीन कार्बन, ब्लू कार्बन? समय शुरू हो चुका है, अब बताइए राइट आंसर क्या है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति, समुद्री जीव और तलछट द्वारा तटीय जलीय और समुद्री कार्बन सिंक को संदर्भित करता है? ग्रीन कार्बन, ग्रे कार्बन, मरीन कार्बन, ब्लू कार्बन? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं क्लासेस को, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखनी है। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जितना उम्मीद नहीं कर रहे उससे काफ़ी बेहतर करके आप आओगे, ठीक है। 25 का डी जिन्होंने कहा, देखते हैं 25 का डी प्रियंका राघव का सही है, और ब्लू कार्बन वनस्पति, समुद्री जीव और तलछट द्वारा तटीय ऋतु विश्वकर्मा का भी सही है, जलीय और समुद्री कार्बन सिंक को संदर्भित करता है, जिन्होंने भी डी कहा वो सभी को उत्तर सही। अगला देखते हैं, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कार्बन क्रेडिट फॉर द रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन मेड एट अनदर लोकेशन? किस अन्य स्थान पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? कार्बन
सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट कोलेटरल एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, फटाफट किया जाए। किसी स्थान अन्य स्थान पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट कोलेटरल। और आपका समय समाप्त हुआ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने 26 का सी कहा यानी कि कार्बन ऑफसेटिंग कहा, वो सभी के उत्तर सही। और कार्बन ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए किसी अन्य स्थान पर किए गए क्रेडिट हैं जिसमें पवन चक्की संयुक्त या अक्षय ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कार्बन ऑफसेट आर क्रेडिट मेड एल्सवेयर फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन सच एज विंडमिल प्लांट एंड डेट मैन्युफैक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस द नीड फॉर फॉसिल फ्यूल पावर्ड एनर्जी। ठीक है, तो बी जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। चलिए 27वां प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे कथन को, मतलब जो कथन है एक स्टेटमेंट और दूसरा उसका रीजन, आपको बताना है सही क्या है। ठीक है, कोयला आधारित विद्युत स्टेशन अम्लीय वर्षा में योगदान देते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा इसका रीजन क्या है। जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, कोयला का दहन क्रिया द्वारा कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जब कोयला जलता है तो कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ठीक है, बताना है कि राइट आंसर क्या है। चलिए पोल स्टार्ट। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या। दोस्तों जिन्होंने भी 27 का बी कहा वो सभी के उत्तर सही हैं और ए आर दोनों सही, किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। कोयला आधारित विद्युत स्टेशन अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं क्योंकि कोयले के दहन पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, हालांकि कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है लेकिन उसमें गंधक और नाइट्रोजन परमाणु जैसे अशुद्धियाँ होती हैं। ये परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर गैसों के रूप में धुआं में निकलती है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में पानी के अणुओं के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस प्रदूषित प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि जो है ए सही है लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि IEIA। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? पर्यावरण प्रभाव आकलन। यह प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक लागतों के बारे में निर्णयकर्ताओं, नियामकों और हितधारकों को सूचित करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकर्स, रेगुलेटर एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट द पॉसिबल एनवायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर प्रपोज प्रोजेक्ट। दूसरा, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना को पर्यावरण प्रभाव आकलन से छूट दी गई है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है। विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। 28 का जिन्होंने ए कहा यानी कि केवल एक जो है वो सही है। और पर्यावरण प्रभाव आकलन का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रणाली पर विकास एवं पर्यावरण को संभावित प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन करना, वो सभी को उत्तर सही। चलिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन क्षेत्र समताप मंडल में वह एक क्षेत्र है जहाँ कोई ओजोन मौजूद नहीं है, पहला। दूसरा, इसी का स्टेटमेंट है, अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन क्षेत्र पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, भूमि में वायुमंडल के शीर्षों पर वायुस्तंभ के रूप में ओजोन की मोटाई डॉप्सन इकाई के रूप में मापी जाती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोल स्टार्ट।
द ओजोन होल इज द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर वेयर नो ओजोन इज प्रेजेंट. ओजोन होल्स कैन बी फाउंड ओवर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक. तीसरा द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डॉब्सन यूनिट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन्स अबव इज आर करेक्ट. और आपका समय खत्म हो चुका है दोस्तों, बताना राइट आंसर क्या है. 29वां का बी यानी कि केवल दूसरा और तीसरा. ओजोन क्षेत्र तकनीकी रूप से छिद्र नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई ओजोन मौजूद नहीं. यह दक्षिणी गोलार्ध में अगस्त अक्टूबर के शुरुआती में आर्कटिक में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से ओजोन के क्षय का क्षेत्र है, ठीक है, कोई छिद्र नहीं है वहाँ, ओजोन का जो लेयर है वो कम हो जाता है, ठीक है. तो जिन्होंने 29वां का बी कहा वो सभी को उत्तर सही. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. अब रहा ओजोन क्षेत्र के बारे में, सर्वाधिक चर्चा अंटार्कटिका में हुई ओजोन क्षय के कारण की जाती है, लेकिन इसे छिद्र उत्तरी ध्रुव पर भी देखे जाते हैं, ठीक है. और हाल फिलहाल में आपने कोरोना के समय में देखा था कि जो साउथ दक्षिण गोलार्ध में ओजोन छिद्र कहा जाता था कि भर गया है, ठीक है, लेकिन दक्षिण ध्रुव की तुलना में गर्म तापमान के कारण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है. तो जिन्होंने भी 29वां का बी कहा वो सभी का सही है. चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर. यह सूची है, एक तरफ कन्वेंशन है, दूसरी तरफ दिया गया है कि ये कब साइन किया गया है, आपको मैच करना है. रामसर, UNCCD, रॉटरडैम या CMS और 98, 71, 94, 79, मैच कीजिए फटाक से, फटाक से मैच कीजिए आप लोग. चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों. जिन्होंने कहा दोस्तों 30 का ए वो सभी के उत्तर सही है. 30 का ए जिन्होंने कहा वो सभी उत्तर सही है और 30 का ए सही है. और जिन्होंने कहा एक बार देख लेते हैं, रामसर कन्वेंशन जो है वो आपका हो गया 1971, फिर उसके बाद आपका UNCCD 94, फिर उसके बाद आपका हो गया रोटरडैम 98 और उसके बाद आपका हो गया CMS 1979. तो जिन्होंने भी ये कहा सभी को उत्तर सही. चलिए अगला प्रश्न. फूड प्लेनेट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड प्लैनेट प्राइज. इसकी स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी. इट वॉज क्रिएटेड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इट इंटेंड्स टू रिकोगनाइज द इनिशिएटिव टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम एमिड्स द क्लाइमेट चेंज. यह जलवायु परिवर्तन के बीच एक स्थायी खाद्य प्रणाली की दिशा में विभिन्न पहलुओं को मान्यता देने का लक्ष्य रखता है. कौन सा स्टेटमेंट सही. टाइम स्टार्ट हो गया, फटाक से आंसर बताइए. और दोस्तों जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अनुपटन कोड के माध्यम से प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अब मैं जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ वो एग्ज़ाम के बाद से आपकी जो क्लासेस होंगी वो अब खुल के IAS और PCS की क्लासेस होंगी. आप किसी भी स्टेट के लिए हैं, सभी स्टेट के लिए PCS के क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं. और कल 12 बजे आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा होगी एग्ज़ाम को लेकर, और 5 बजे मैं आपके साथ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जुड़ जाऊंगा एनालाइज करके, ठीक है. चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों. 31 का जिन्होंने बी कहा केवल दो वो सभी के उत्तर सही हैं. और स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन अरबों लोगों की खाद्य समस्याओं का समाधान करने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पुरस्कार घोषित किया. इस पुरस्कार का नाम है फूड प्लैनेट प्राइज, ठीक है. और इसमें क्या है, इसकी स्थापना कृषि संगठन के द्वारा की गई थी ऐसा लिखा गया है, खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये स्टेटमेंट गलत है. दूसरा जो है कि जलवायु परिवर्तन स्थायी खाद्य प्रणाली, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है. चलिए यानी कि जिन्होंने 31 का बी कहा वो सभी के उत्तर सही है. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है. रिसेंटली अ साइट इन सोनभद्र वॉज इन न्यूज ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ गोल्ड देयर. द साइट इज अ पार्ट ऑफ द महाकोशल रीजन डेट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ. हाल ही में सोनभद्र उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, मिर्जापुर से जस्ट नीचे दक्षिण में है आपका. पहले मिर्जापुर से था, बाद में इसको मिर्जापुर से अलग काट कर एक नया जिला बनाया गया दोस्तों. तो हाल ही में सोनभद्र में अवस्थित एक स्थल स्वर्ण अयस्क पाए जाने की संभावना के कारण
वो चर्चा में था। यह स्थल महाकोशल क्षेत्र का एक भाग है जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको राइट आंसर देना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, फटाफट करते हैं। इसके बाद मैं अपनी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक हंस तो कह ही देता हूँ। आराम से नींद पूरा लीजिएगा और सबसे पहले जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग रख लिए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करूँ, और तनाव मुक्त होकर कीजिएगा दोस्तों। तबीयत ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल एग्ज़ाम है, बाकी कुछ नहीं है। एक एग्ज़ाम से बढ़ कर इन सब चीज़ों को नहीं समझना है ना। मनोबल कहीं से भी नीचे नहीं करना, और आपके अंदर सारी काबिलियत है, सारी आप सक्षम हो इस एग्ज़ाम को पास करने में। अपना बेहतर करके आइए, बाकी जो होगा उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं आपको। अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे के आना है, बेहतर वहाँ करके आना। चलिए, 32 का जिन्होंने डी कहा दोस्तों सभी के सही आंसर, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जो है वो इस एरिया में आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोएलिशन रिसेंटली सीन न्यूज इनिशिएटिव ऑफ, हाल ही में समाचार में जैव विविधता की वैश्विक गठबंधन एक पहल, ठीक है, वो क्या है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष या यूरोपीय आयोग। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़िया, अपना बेहतर दे के आइएगा कल के एग्ज़ाम में, आगे का ज़्यादा नहीं सोचना है। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड तीनों हैं आपका महाकौशल के क्षेत्र में, महाकौशल के क्षेत्र में, ना कि सोनभद्र की बात की है। प्रश्न को ध्यान पे देखिएगा कि सोनभद्र स्वर्ण आयस के लिए पाया जाता है और यह स्थल महाकौशल क्षेत्र का एक भाग। तो महाकौशल क्षेत्र में और कौन कौन से एरिया हैं। चलिए, ये 37वां प्रश्न, समय समाप्त। 33 का जिन्होंने डी कहा दोस्तों वो सभी के उत्तर सही हैं, और 33 का डी यानी कि यूरोपीय आयोग आपका राइट आंसर है, और यूरोपीय आयोग ने जैव विविधता के वैश्विक गठबंधन पहल लॉन्च की है, अतः विकल्प डी जो है इसका सही है, ठीक है। और यह गठबंधन विश्व भर में चिड़ियाघरों, एक्वेरियम, वनस्पति उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों, प्राकृतिक इतिहास एवं विज्ञान संग्रहालय को मिलकर बना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह 6x6x6 स्ट्रेटजी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। 6x6x6 रणनीति निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से संबंधित है, एनीमिया मुक्त भारत, HIV मुक्त भारत, भारत में टीकाकरण कवरेज में सुधार, या गैर संचारी रोगों का उपचार। एनीमिया मुक्त भारत, HIV मुक्त भारत, इम्प्रूविंग वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडिया, ट्रीटिंग नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बताना है 666। चौंतीसवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या है। चौंतीसवां का जिन्होंने ए कहा दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत, वो सभी के उत्तर सही हैं, और 666। तो भारत सरकार ने समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत रणनीति शुरुआत करने का फैसला किया, जिसका लक्ष्य है कि एनीमिया को प्रति वर्ष 3% तक कम करना है। डाटा याद रखिएगा, ठीक है। और एनीमिया मुक्त भारत 666 रणनीति का पालन किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य है 6 आयु वर्ग, 6 प्रतिरोध और 6 संस्थागत प्रणाली। यह रणनीति पोषण और गैर पोषण संबंधी कारकों के परिणामस्वरूप एनीमिया को संबोधित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला, मांग निर्माण और मजबूत निगरानी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जिन्होंने 34 का ही कहा वो सभी के उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह रिसेंटली मेनी कोरोना वायरस पेशेंट हैव डाइड ऑफ सेप्सिस, इट कैन बी ट्रिगर्ड बाई वेराइटी ऑफ पैथोजन डेट इंक्लूड्स। हाल ही में कोरोना वायरस रोगियों की मृत्यु सेप्सिस से हुई है। यह स्थिति विभिन्न प्रकार के रोग जनकों द्वारा उत्पन्न हो सकती है, जिनमें शामिल विषाणु, जीवाणु, कवक या उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू हो चुका है, अब आपको बताना है राइट आंसर क्या है।
और देखते हैं। और 35 का डी जिन्होंने कहा सभी के उत्तर सही हैं, और उपरोक्त सभी यानी कि विषाणु जीवाणु और कवक, ये तीनों हैं आपके इसमें। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया दोस्तों, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके स्टेट पीएससी पे आइए, यूपी पीएससी पे आइए, प्लस पे आइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे आइए, उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर पे आइए जिसमें आपका 2 साल का फ़ी जो है 8400 है और 1 साल का फ़ी 7000 है। कोड आपका यूज करना अनूप 10% ऑफ मिलेगा, फ़ी 7560 हो जाएगा 2 साल का, 1 साल का 6300 हो जाएगा। इसमें आप यूपीएससी स्टेट पीएससी सारे कोर्सेज कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो फटाफट ये यूज़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोड आपको याद रखना है दोस्तों, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप लोग कल का पेपर दीजिएगा और बेहतर करेंगे, खुद पर विश्वास कीजिएगा, कहीं भी अपने ऊपर शंका मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शंका आपका लंका लगा सकता है। तो शंका करना नहीं है दोस्तों, विश्वास रखना, आप बेहतर करोगे, हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप बहुत अच्छा करोगे। मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज़ कोशिश कीजिएगा, एग्जाम से पहले जब वो झुंड बना के 5 लोग 6 लोग आप लोगों से पूछते रहते हैं ना कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, तो उन सब चीज़ों से, उन गधों से दूर रहिएगा, पहला चीज़। दूसरा, एग्जामिनेशन के बाद जो बैठ के क्वेश्चंस मिलाते रहते हैं उन गधों से भी आपको दूर रहना है, ऐसे गधों से आप अपने आप को दूर रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद सीसेट पे आप लोग फोकस करिएगा, वहाँ के थोड़े से फॉर्मूला और मुला ये सारा रिवाइज़ कीजिएगा और आप बेहतर करोगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।